नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको CIF क्या होता है तथा ग्राम संगठन व समूह में क्या अंतर होता है और CIF योजना के अंतर्गत मिली धनराशि पर कितना ब्याज देना पड़ता है, क्या इस ब्याज की राशि में कोई अंतर होता है, यह सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आज देंगे। इससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे द्वारा दी गई हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले CIF क्या होता है। दोस्तों, CIF का मतलब कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि सामुदायिक निवेश निधि होती है। इस योजना के तहत समूह और ग्राम संगठन को 1,10,000 रुपये की राशि व्यवसाय करने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। इस राशि में अंतर भी होता है, राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से इस राशि को बढ़ा और घटा सकती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें ग्राम संगठन और समूह में क्या अंतर होता है। समूह जिस गांव में 5 से कम स्वयं सहायता समूह होते हैं उसे समूह की उपाधि मिली है तथा 5 से अधिक स्वयं सहायता समूह जिस गांव में होते हैं उससे ग्राम संगठन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब इस राशि पे दिए जाने वाले ब्याज की बात करते हैं। जी हाँ, समूह को 1,10,000 पर 1% का ब्याज सरकार या बैंक को वापसी करना होता है और ग्राम संगठन को इस राशि पर महज 0.75% का ब्याज सरकार को वापसी देना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब तक यह राशि समूह या ग्राम संगठन के खाते में रहती है तब तक सरकार इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगाती, लेकिन एक बार जब आपने यह पैसा अकाउंट से बाहर निकाल लिया तब आपका ब्याज चालू हो जाता है, यानी कि उस तारीख से ब्याज लगना चालू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप उस पैसे को अकाउंट में ही रहने दें, क्योंकि आपको सरकार को वह पैसा वापसी करना ही है। और अगर आपने किसी कार्य के लिए उस पैसे को सरकार से लिया है तो वह कार्य भी आपको करना ही होगा। दोस्तों, इस पैसे को वापसी करने की भी एक अपनी नियमित श्रृंखला है। तो बता दें हम कि समूह के जो मेंबर हैं वह मेंबर अपने हिस्से की जो राशि है प्लस ब्याज को जो है कि स्वयं सहायता समूह में जमा कराएंगे। स्वयं सहायता समूह जो सारे स्वयं सहायता समूह अपने ब्याज और जो मूल राशि है उसको इकट्ठा करके मेंबरों से उस पैसे को जो है कि ग्राम संगठन को देंगे। ग्राम संगठन इस पर 0.7% का ब्याज 7.5% का ब्याज लगाकर जो है कि सरकार या बैंक को वापसी देगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।